पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। चुनावी शंखनाद हो चुका है और चुनावी शंखनाद के साथ ही इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस दोनों अपने अपने प्रत्याशियों के साथ धरातल पे उतर चुकी हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की। नेता प्रतिपक्ष है, साथ में आपने अक्सर तेजस्वी यादव को एक दायरे में देखा होगा, एक घेरा उनके अगल बगल हमेशा ही रहता है और उसी घेरे के अंदर तेजस्वी यादव रहते हैं। अगर आपने गौर से देखा होगा कि 2020 का जो चुनाव था, कुछ ऐसा था कि सारे लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जीत सकते हैं, जीत जाएंगे, और यही जो घेरे में लोग थे वो तेजस्वी यादव के साथ फोटो लगाते थे और ये कहते थे हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे। और जब 2020 में हार का सामना करना पड़ा तो इन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ जो सोशल मीडिया पोस्ट किए थे, चाहे बात करें फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम, वहाँ से सारे पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। अब हम फिर से देख रहे हैं कि उसी तरीके का एक दायरा फिर से तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द बन गया है। ये लोग वही लोग हैं जो न तेजस्वी यादव के जीतने पर खुशी मनाएंगे, न उनके हारने पर गम मनाएंगे, लेकिन ये तेजस्वी यादव के साथ ही रहते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये लोग जो तेजस्वी यादव के विपक्षी दल हैं, जो नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने या चुनाव जीते, तो कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ कहीं उन लोगों से तो नहीं है? क्या ये लोग भीतर घात तो नहीं कर रहे? क्योंकि अक्सर हमने देखा होगा कि विभीषण तो घर में ही होता है, हमें बस पता नहीं होता। जिस तरीके से रावण की लंका को जलाने में विभीषण का हाथ था, क्या ये लोग वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के पैर पीछे खींच रहे हैं? आपको बता दें, आपने जब भी तेजस्वी यादव को देखा होगा तो कुछ लोगों की भीड़ उनके अगल बगल रहती है, वो लोग हमेशा ही तेजस्वी यादव के आसपास रहते हैं। लेकिन जब तेजस्वी यादव को 2020 में हार का सामना करना पड़ा था तो इन्हीं लोगों ने पोस्ट के ज़रिए ये साबित कर दिया था कि ये लोग भरोसेमंद नहीं है। पहले ही उन्होंने ये कहा कि हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उसके बाद जब तेजस्वी यादव हार गए तो उन्होंने सीधे तौर पे पोस्ट हटा दिए। पोस्ट हटा देने का मतलब आप बेहतर समझते होंगे, लेकिन हम ये बातें आपको इसलिए बता रहे क्योंकि अक्सर आपने तेजस्वी यादव को देखा होगा, इस बार वो बहुत अच्छी तैयारी के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार एक्टिव है, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का प्यार भी उनको मिल रहा है। लेकिन जितनी जनता उनके समर्थन में आई है, ये देखना होगा क्या उतनी जनता उनको वोट देती है, क्योंकि वोट ही डिसाइड करेगा कि इस बार तेजस्वी यादव का भविष्य क्या होगा, जनता उनको किस तरीके से प्यार देगी। और सबसे बड़ा सवाल है जो ये लोगों का दायरा है, जो लोग तेजस्वी यादव को अंदर ही अंदर भीतर घात दे रहे, विभीषण का काम कर रहे, क्या तेजस्वी यादव इनको पहचान पाएंगे और इनको कहीं ना कहीं इरादे जो इनके हैं वो भाप पाते हैं कि नहीं? और इन लोगों की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2020 में भी हमने इन्हीं लोगों को देखा था और इनके पोस्ट जिस तरीके से इन्होंने डिलीट किए थे उसके बाद लग रहा था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के हार जाने से खुश नहीं, खुश है, और जीत जाने से इनको खुशी नहीं होगी। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में। आप बने रहिए भारत लाइव के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।